नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा स्वागत करती हूँ आप सब लोग अपने चैनल में। मेरी वीडियोस को प्लीज पूरा देखिएगा क्योंकि मैं अभी छठ पूजा का प्रसाद बना रही हूँ। मैंने कुछ देर पहले जो इंस्टेंट मिट्टी का चूल्हा बनाया था, मैं उसी छठ चूल्हे पे प्रसाद बना रही हूँ। तो देखिए, यहाँ मैंने पीतल के बर्तन में गुड़ की खीर बना रही हूँ। इसी खीर से प्रसाद बोलते हैं जो लोग छठ के पर्व करते हैं, पर बैठे लोग वही लोग खाते हैं, लोग बाकी लोग प्रसाद खाते हैं उसके बाद। तो अभी मेरी खीर बन चुका है तो मैं इसे उतार दूंगी। देखिए बन गया है। देखिए फ्रेंड्स, हम अब रोटी बनाने जा रहे हैं। पहले हमने तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। जो भी हम यहाँ लकड़ी का यूज कर रहे हैं वो आम की लकड़ी है, दूसरी कोई लकड़ी का यूज नहीं किया जाता है यहाँ पे। तवा भी गर्म है तो उसे रख देते हैं। छठ पूजा का प्रसाद जो होता है बहुत सफाई के साथ बनाया जाता है, बहुत ही सोच समझ के बनाया जाता है। इसमें कोई गलती ना करते हैं लोग इसमें कोई गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं करते हैं। मुझे सब छठ पूजा में जो भी प्रसाद जो बनते हैं या फिर कोई भी काम होता है, मुझे सब करने में बहुत अच्छा लगता है। मैं मम्मी के घर भी थी तो भी करती थी, अब ससुराल आई हूँ तो भी करती हूँ। ये मेरा पहला छठ पूजा है ससुराल में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो से पूछी भरतिया ये भरतिया से कितना लागी, हम तो से पूछी भरतिया ये भरतिया से कितना लागी, से करेलू छठ भरतिया से कितना लागी, से करेलू छठ भरतिया से कितना लागी।
मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट जरूर करें कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, छठ पूजा का जो मैं प्रसाद बना रही हूँ वो तरीका कैसा लगा। मैं ये पहली बार बना रही हूँ, मिट्टी के चूल्हे पे मैंने आज तक नहीं बनाया, इसके पहले मेरी मम्मी ही बनाती थी, बट मुझे ये सब करने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये कहते हैं ना कि अंदर से जो फील आती है वो मेरे को फील आ रही है कि सच में छठ पूजा का मतलब एक फेस्टिवल जो होता है बहुत अच्छा लगता है ये सब करने पर। मैं सिर्फ सुनी थी आज तक, बट अब करने में बहुत अच्छा लगा, मतलब स्पीचलेस हो गई हूँ मैं ये करने में, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। आप शहर में रहे गाँव में रहे, ये चीजें हर जगह एक ही तरीके से होती है, मिट्टी के चूल्हे पे ही बनना, प्रसाद एक ही तरीके से हर जगह बनना, बहुत अच्छा लगता है सब करने में। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें शेयर के लिए। फ्रेंड्स, ये जो प्रसाद है वो खरना का प्रसाद है, अर्घ का प्रसाद कल बनेगा। अर्घ का प्रसाद हर कोई जानता है जो ठेकुआ होता है, ऑथेंटिक ठेकुआ एकदम, जो स्पेशली जो छठ पूजा के लिए बनता है, छठी माई के लिए जो बनता है अर्घ देने के लिए, वो मैं कल बनाऊंगी। कल उसका भी वीडियो दिखाऊंगी आप लोगों को कैसे एकदम तरीके से जो ठेकुआ बनता है ऑथेंटिक तरीके से छठ पूजा के लिए, वो जरूर आप लोग को दिखाऊंगी। तो मेरे चैनल पे बने रहे जिससे मेरे वीडियोस आप लोग को तो जरूर पहुंचे, जल्दी पहुंचे। तब तक के लिए नमस्कार।